This conference will now be recorded. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a. وأرينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे हम लोगों ने क्लासेस में डिस्कस किया था फिजिकल क्लासेस में लास्ट वीक में लॉ ऑफ डिमांड। हमारा टॉपिक जिससे आज हमने स्टार्ट करना है वो है अजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। सबसे पहले मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ लॉ ऑफ डिमांड में हमने क्या पढ़ा था। लॉ ऑफ डिमांड में हमने प्राइस का डिमांड के साथ क्वांटिटी डिमांड के साथ रिलेशनशिप पढ़ा था। हमने कहा था कुछ फैक्टर्स जिनको आज हम डिस्कस करेंगे अगर वो फैक्टर्स चेंज ना हो प्राइस बढ़ेगी कंज्यूमर्स की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी तो डिमांड कम हो जाएगी। ठीक हो गया जी बच्चे। कंज्यूमर्स उसकी क्वांटिटी डिमांड कम कर देगा। और ये लॉ ऑफ डिमांड हम पढ़ने से पहले हमने कहा था सिट्रस पैरिबस अदर थिंग्स रिमेन सेम और अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। कुछ कंडीशंस हैं अगर वो कंडीशन चेंज ना हो तो तब ये लॉ अप्लाई होगा अदरवाइज ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। दीज आर कॉल्ड द अजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। ठीक हो गया जी बच्चे। तो बच्चे लॉ ऑफ डिमांड में हमने फोर स्टेप में इस क्वेश्चन को पढ़ा था। फर्स्ट वन स्टेप में बच्चे सबसे पहले हमने इसकी स्टेटमेंट पढ़ी, सेकेंडली बच्चे हमने टेबल बनाना सीखा, देन थर्ड वन में बच्चे हमने इसकी डायग्राम बनाई और फोर्थ वन स्टेज में बच्चे हमने इसकी एक्सप्लेनेशन सीखी। और मैंने आपसे कहा था आपने इसको सिर्फ अंडरस्टैंड करना, अब बहुत ज्यादा रिटेंशन की तरफ मत जाइएगा। ठीक है ना। कोई कॉन्सेप्ट भी समझ में ना आए मुझे उसी वक्त रोक दीजिएगा और कहिएगा कि ये बात हमें समझा दे हमें समझ में नहीं आए। तो बच्चे हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से अजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। आऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्या जी बच्चे, इसे बच्चे हम essentials of law of demand भी कहते हैं। तो बच्चे वन बाय वन हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। बच्चे सबसे पहले ना बात को समझ लीजिएगा फिर मैं इंशाल्लाह आपको बुक से भी रेफर करवा दूंगा। ठीक है, या हैंडआउट से भी रेफर करवा दूंगा। आज मेरे पास हैंडआउट्स जो आपको मैंने अपडेटेड हैंडआउट्स आपके साथ शेयर किए हुए हैं वो तो अवेलेबल नहीं है। दूसरे प्रीवियस हैंडआउट्स हैं वो भी मैं कॉपी आपको शेयर कर दूंगा। बहुत इजी नोट्स हैं ये, तो आपको मैं रेफर भी करवा दूंगा। ठीक है जी बच्चे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट वन, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अजम्पशन क्या है हमारी, देयर इज नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। क्या अजम्पशन है, देयर इज नो चेंज, कोई चेंज ना आए, देयर इज नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर इनकम चेंज हो गई तो फिर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो पाएगा।
उसको किस तरह से हम समझ सकते हैं उसकी एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। बच्चे लेट हम अज्यूम करते हैं, अजम्पशन लेते हैं, प्राइस क्वांटिटी डिमांड। लेट सपोज प्राइस है 10 रुपीज, कंज्यूमर यूनिट्स डिमांड कर रहा है 1000 यूनिट्स। ठीक हो गया जी बच्चे? बच्चे मेरी वॉइस में प्रॉब्लम है, एक बच्चे का मैसेज आया, वो कह रहा है कि आवाज नहीं आ रही। कैन यू हेयर मी? कैन यू हेयर मी क्लियरली? देन काइंडली सेंड द रिस्पेक्टिव पर्सन, मैसेज सेंड कर दें रिस्पेक्टिव पर्सन को कि वो रिकनेक्ट कर ले, माइट बी पॉसिबल कि उसके कोई नेट में इशू आ रहा हो। ठीक है जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अच्छा बच्चे लेट्स सपोज प्राइस 10 रुपीज है, क्वांटिटी डिमांड है 1000 यूनिट्स। अच्छा इसके साथ हम इनकम भी लिख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कंज्यूमर की इनकम है 10000 रुपीज। देखिएगा वर्किंग मैंने कैसे की, क्वांटिटी डिमांड की कैलकुलेशन मैंने कैसे की, डिमांड फाइंड आउट करने के लिए मैंने कहा लेट्स सपोज कंज्यूमर की इनकम है 10000 रुपीज, पर यूनिट प्राइस है 10 रुपीज। देन मुझे बताइएगा कंज्यूमर कितने यूनिट्स डिमांड कर रहा है इस इनकम पे? जी जी 1000 यूनिट्स, शाबाश एक्सीलेंट 1000 यूनिट्स, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा बच्चे इन केस इफ देयर इज नो चेंज इन प्राइस बट कंज्यूमर्स इनकम हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹10,000 टू ₹20,000, अब मुझे बताइएगा इस सिचुएशन में, सॉरी 20,000 डिवाइड कर देते हैं 10 से, मुझे बताइएगा बच्चे डिमांड कितने यूनिट्स हो जाएंगी? 2000 यूनिट्स। ठीक है अच्छा जी, अब मैं यहां पे लिख रहा हूं डिमांड है 2000 यूनिट्स, बड़ी सिंपल सी बात की है मैंने। जी जज़ाकुमुल्लाह खैर, अब सब लोग बड़े इंटरेक्टिव क्लास ले रहे हैं, ऐसे ही लेते रहना है आपने। अच्छा अब मुझे बताइएगा लॉ ऑफ डिमांड ने कहा था डिमांड तो तब बढ़ेगी, डिमांड तब बढ़ेगी जब प्राइस कम होगी। मुझे बताए इस सिचुएशन में प्राइस कम हो रही है? प्राइस कम हो रही है इस सिचुएशन में? नहीं, बिल्कुल नहीं, शाबाश। तो मुझे बताए क्या अब इनकम में चेंज आ रहा है, इनकम के चेंज आने की वजह से लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। एक्सीलेंट एक्सीलेंट बच्चे, क्लियर हो गया जी बच्चे? तो इसी सिचुएशन की वजह से हम कहते हैं, हमने कहा अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज हो गई ना तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो हमारी अजम्पशन क्या है इस लॉ के लिए? व्हाट इज द अजम्पशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड? फर्स्ट वन, या फर्स्ट वन अजम्पशन है देयर इज नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, देयर इज नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। या एक्सीलेंट, सलमान साहब ने कहा है, सलमान दाऊद साहब ने कहा है इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन सेम और कॉन्स्टेंट, देन लॉ ऑफ डिमांड वुड बी अप्लीकेबल, शाबाश। ये भी बात हम लिख सकते हैं। ठीक है जी बच्चे? जी इनकम में चेंज नहीं आना चाहिए। आप मुझे बताइएगा फर्स्ट वन अजम्पशन किसी भी बच्चे को कंफ्यूज तो नहीं कर रही है? आपको बात समझ आ गई? अब आपको क्या बात याद रखनी है कि इनकम कंज्यूमर की चेंज ना हो, अदरवाइज ये लॉ अप्लाई नहीं हो सकेगा। अच्छा इसको ना एक और तरीके से भी बात समझाई जाती है। जी मोहम्मद यासिन साहब, इसको एक और तरीके से भी बात को समझाया जा सकता है। लेट्स सपोज अब मैं अगर कहता हूं प्राइस चेंज हो जाए 15, बहुत ज्यादा चेंज हो रही है, हम 12 कर देते हैं। देर इज चेंज इन प्राइस फ्रॉम ₹10 टू ₹12। अब मुझे बताएं प्राइस तो चेंज हो गई है, अब प्राइस कितने रुपए हो गई है? 12 रुपए। अब मुझे बताइएगा कंज्यूमर कितने यूनिट्स डिमांड कर रहा है? बताइएगा जल्दी से, कैलकुलेट करके बताएं मुझे। सभी लोग कैलकुलेट करें, कैलकुलेटर तो भी आपके पास ही होंगे, अभी स्टैट की क्लास आपकी ऑफ हुई है। 20,000 डिवाइडेड बाय 12, जी अप्रोक्सीमेटली 1,666 यूनिट्स। एग्री? आर यू एग्री विद मी? ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताएं
प्राइस तो बढ़ रही है, जब प्राइस बढ़े, प्राइस इंक्रीज करे, तो डिमांड क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। यहां पे तो डिमांड बढ़ रही है। अब बात समझ में आई ना जी? अगर प्राइस बढ़े तो डिमांड तो कम होनी चाहिए थी, लेकिन साथ ही साथ इनकम बढ़ गई। इनकम के बढ़ने की वजह से ये इफेक्ट हमें नजर नहीं आ रहा, और हमें लग रहा है कि लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हुआ, और वाकई नहीं हो रहा लॉ ऑफ डिमांड। क्लियर हो गया ना बच्चे? तो बिल्कुल आपको ये बात याद रखनी है। एमसीक्यूज में आपसे एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है। एग्जामिनर कह रहा है प्राइस चेंज हुई लेकिन इनकम भी चेंज हो गई, तो आप मुझे बताएं लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा? आप क्या कहेंगे? लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा? नहीं होगा लॉ ऑफ डिमांड। अब किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे एग्जामिनर एमसीक्यूज में, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी बच्चे? तो फर्स्ट वन बच्चे कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, पहली अजम्पशन क्या है हमारी? देयर इज नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अच्छा बच्चे, अब सेकेंड वन, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स अच्छा, अब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को पढ़ने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए रिलेटेड गुड्स होती क्या है। हमें ये बात समझ में आएगी तो फिर ही हम ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे। तो हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं रिलेटेड गुड्स से क्या मुराद है यहाँ पे। ठीक हो गया जी बच्चे? जी बिल्कुल ठीक है जी। सलमान साहब पहले बात समझ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपकी तरफ आता हूँ। जी बच्चे, सबसे पहले रिलेटेड गुड्स। अच्छा जी, मैं कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ जी। गुड्स रिलेशनशिप के लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू रिलेशनशिप। एक्सीलेंट जी, एक्सीलेंट। दो तरह की होती हैं, फर्स्ट वन रिलेटेड एंड सेकेंड वन अनरिलेटेड। इसके लिए हम वर्ड डिपेंडेंट भी यूज करते हैं, याद है ना? और इसके लिए वर्ड हम इंडिपेंडेंट भी यूज करते हैं जी। बात क्लियर हो गई जी? अच्छा बच्चे, नेक्स्ट, रिलेटेड डिपेंडेंट गुड्स को फर्दर बाइफरकेट किया जाता है दो तरह से। एक हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, और सेकेंड वन बच्चे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक हो गया जी बच्चे? मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चे, गुड्स विद रिस्पेक्ट टू रिलेशनशिप हम बाइफरकेट कर सकते हैं दो हिस्सों में। फर्स्ट वन हम रिलेटेड या डिपेंडेंट गुड्स कहते हैं, सेकेंडली बच्चे हम कहते हैं अनरिलेटेड या इंडिपेंडेंट गुड्स। अच्छा बच्चे, रिलेटेड गुड्स को फर्दर बाइफरकेट किया जाता है सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। अब वन बाय वन हर एक की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो बच्चे सबसे पहले हम डिस्कस करने लगे सब्स्टिट्यूट गुड्स को। सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो बच्चे बहुत सिंपल सी डेफिनेशन लिख के बात को समझते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया जी बच्चे। दो या दो से ज्यादा ऐसी चीजें जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एक दूसरे के मुतबादिल, ऐसी दो या दो से ज्यादा चीजें जो एक दूसरे के मुतबादिल इस्तेमाल हो सकती हैं, इन प्लेस ऑफ ईच अदर इस्तेमाल हो सकती हैं, ऐसी गुड्स को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो क्या हुआ? टू और मोर गुड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, या हम इसको इस तरह से भी डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं दो या दो से ज्यादा ऐसी चीजें जो कंज्यूमर की एक ही नीड को फुलफिल करें। जैसे
कंज्यूमर को प्यास लग गई है। अब कंज्यूमर को प्यास लग गई है, अब कंज्यूमर के पास ऑप्शन है कि वो पानी पी ले तब भी उसकी प्यास बुझ जाएगी, और अगर वो कुछ जूस वगैरह पी ले तब भी उसकी प्यास बुझ जाएगी। क्लियर हो गया बच्चे? या बच्चे हम कह सकते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो ये क्या बन गई बच्चे? शाबाश, ये किसकी एग्जाम्पल हुई? सब्स्टिट्यूट गुड्स की। इसी तरह से बच्चे टी एंड कॉफी, जहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे? आपको एग्जाम्पल समझा पाए हो? सब्स्टिट्यूट गुड्स, एवरी जी बिल्कुल एग्जैक्टली सलमान दाऊद साहब, बिल्कुल ठीक कहा आपने, कुकिंग ऑयल एंड कुकिंग, जी बिल्कुल ठीक हो गया जी, वेजिटेबल घी हो गया, बिल्कुल एक्सीलेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। जी बच्चे नेक्स्ट वन, सॉरी, कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज। जी बच्चे इसको हम क्या कहते हैं? दो या दो से ज्यादा ऐसी चीजें विच आर यूज्ड, जिनको इस्तेमाल किया जाएगा टूगेदर, इकट्ठा, तो तभी कंज्यूमर की नीड फुलफिल होगी। टू फुलफिल द नीड ऑफ द कंज्यूमर, तो तभी कंज्यूमर की नीड फुलफिल होगी। ठीक है जी, एक मिनट, सिर्फ एक मिनट। टू फुलफिल द नीड ऑफ द कंज्यूमर, जी बिल्कुल ठीक हो गया जी। तो बच्चे ने एग्जाम्पल दिया, उन्होंने कहा है जी आप एग्जाम्पल लिखे जल्दी से, मोबाइल एंड सिम कार्ड, इससे पहले कि वो भूल जाए। जी, जजाकल्ला जी, जजाकल्ला। मोबाइल एंड सिम कार्ड, ये कौन सी एग्जाम्पल है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। बिल्कुल इसी तरह से उन्होंने एग्जाम्पल दी है जी, पेन एंड इंक, इसी तरह से बैट बॉल, ठीक हो गया जी बच्चे। इसी तरह से बच्चे डीवीडी और पीएसपी, प्ले स्टेशन गेम्स, ये किसकी एग्जाम्पल्स हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। एक्सीलेंट बच्चे, एक्सीलेंट, ठीक है जी बच्चे। जी जजाकुमुल्लाह खैर। प्रिंटर एंड कार्ट्रिज, मोटर व्हीकल एंड पेट्रोल, एक्सीलेंट बच्चे, बिल्कुल ठीक हो गया। आप लोगों को बात समझ में आ गई, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ऐसी दो गुड्स जो इकट्ठी इस्तेमाल होंगी तो यूजर को बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो यूजर बेनिफिट नहीं उठा पाएगा। ऐसी दो या दो से ज्यादा गुड्स को हम कहते हैं कंपोजिट गुड। अच्छा बच्चे, इनके अल्टरनेटिव नेम भी याद रखिएगा। सब्स्टिट्यूट गुड्स को हम किसी और नाम से भी याद रखते थे, क्लास में बताया था मैंने, इसे कंपेटिटिव गुड्स भी कहते हैं। एक्सीलेंट, इसे क्या वर्ड बोलते हैं इसके लिए? कंपेटिटिव गुड्स, एक्सीलेंट जी। इसके लिए एक और नाम भी पढ़ा था हमने, ज्वाइंट गुड्स, नहीं, इसके लिए नहीं था वो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए था। ठीक है जी बच्चे, इसके लिए हमने पढ़ा था जॉइंट गुड्स। अच्छा, और इसके लिए हमने एक और नाम भी पढ़ा था, इसे कंपोजिट गुड्स, कंपोजिट गुड्स, बिल्कुल ठीक हो गया, शाबाश। तो बच्चे आपको बात समझ में आ गई, तो ये कौन सी गुड्स हैं? रिलेटेड गुड्स। अच्छा, इसके साथ साथ हमने इंडिपेंडेंट गुड्स और अनरिलेटेड गुड्स का भी जिक्र कर दिया, इसको भी पढ़ लेते हैं ताकि हमें बात समझ में आ जाए। थर्ड वन कॉन्सेप्ट है बच्चे, इंडिपेंडेंट गुड्स या अनरिलेटेड गुड्स। जी बच्चे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बच्चे टू और मोर गुड्स, विच डू नॉट, अली माइक ऑफ कर दो जी, किसी बच्चे का ना माइक ऑन है,
रिक्वेस्ट है उससे माइक अपना ऑफ कर दीजिएगा, इससे डिस्टॉर्शन क्रिएट होती है, ठीक है ना। बट इस सॉफ्ट मोड में एक दूसरे से रिक्वेस्ट किया करें, विच डू नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर। हम रिस्पेक्ट चाहते हैं ना, तो हमें फिर रिस्पेक्ट देनी भी होगी उसी तरह से। चले जी, अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। टू और मोर गुड्स विच डू नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर, जो एक दूसरे पर डिपेंड ही नहीं करती इन एनी वे। जी बड़ी खूबसूरत एग्जांपल दी है जी, अभी क्या है जी, पेट्रोल एंड बाइसाइकिल, ठीक है जी बच्चे। इसका किसी तरह का कोई लिंक नहीं है। इसी तरह से कैलकुलेटर एंड फेयर एंड लवली, जी 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 बिल्कुल ऑकवर्ड सी एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको ये बातें याद रह जाए। तो बच्चे बात क्लियर हो गई, इंडिपेंडेंट गुड्स या अनरिलेटेड गुड्स, बिल्कुल ठीक हो गया जी। बैट एंड पेन, इन दोनों का भी आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। तो बच्चे आप मुझे बताएं, मैं आपको ये तीनों डेफिनेशन समझा पाया हूँ, इसमें किसी तरह की कोई कंफ्यूजन, कोई ऐसी बात जो मैं अभी तक आपको नहीं समझा पाया, आप मेरे से उसी वक्त पूछ सकते हैं बच्चे, मैं रिकॉल करने लगा हूं। हमने पॉइंट समझना है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है जी बच्चे। अब वर्ड हमने पहले कहा कि हमें तो ये बात समझनी है रिलेटेड गुड्स किसे कहते हैं, ये तो पता होगा हमें, हमें यही ना पता हो रिलेटेड गुड्स किसे कहते हैं, तो हाउ इज इट पॉसिबल फॉर अस टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया रिलेटेड गुड्स आर, जी शाबाश बिल्कुल ठीक हो गया जी बच्चे। रिलेटेड गुड्स के लिए हमने कहा दो तरह से इसे बाइफरकेट किया जा सकता है, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स और सेकेंडली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। हमने कहा सब्स्टिट्यूट गुड्स दो या दो से ज्यादा ऐसी चीजें जो एक दूसरे के मुतबादिल, एक दूसरे की जगह पे, एक दूसरे की, और कंज्यूमर अगर इन दोनों में से किसी एक गुड को भी इस्तेमाल कर ले तो कंज्यूमर की वो नीड, वो सेटिस्फेक्शन हासिल कर लेता है। ऐसी दो या दो से ज्यादा गुड्स को हम सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं और इन्हें कंपेटिटिव गुड्स भी कहते हैं, और इनकी हमने दो एग्जाम्पल डिस्कस की। इसी तरह से बच्चे दो या दो से ज्यादा ऐसी चीजें जो इकट्ठी इस्तेमाल होंगी तो यूजर को बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो यूजर उसका बेनिफिट नहीं ले पाएगा। ऐसी गुड्स जॉइंट गुड्स भी कहलाती हैं, ऐसी गुड्स कंपोजिट गुड्स भी कहलाती हैं। आपके पास बॉल नहीं है, बैट है, आप क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। आपके पास बॉल है, बैट नहीं है, क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। बॉल भी हो बैट भी हो, ये कंपोजिट गुड्स हैं, तभी आप क्रिकेट खेल पाएंगे, ठीक है जी बच्चे। तो टू और मोर गुड्स विच आर यूज टूगेदर टू फुलफिल द नीड ऑफ द कंज्यूमर, ठीक होगा जी बच्चे। जी बच्चे बिल्कुल ठीक है जी, आप सब लोग जो एग्जांपल्स मेंशन कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक। लास्ट पे बच्चे हमने एक डेफिनेशन पढ़ी इंडिपेंडेंट गुड्स, जिसे हम अनरिलेटेड गुड्स भी कहते हैं, दो या दो से ज्यादा ऐसी चीजें जो एक दूसरे पे किसी भी तरह से डिपेंड नहीं करती, ऐसी गुड्स को हम कहते हैं बच्चे, जी शाबाश इंडिपेंडेंट गुड्स, बिल्कुल ठीक है बच्चे। मैं अगर आपका मैसेज यहाँ पे रीड करके आपको नहीं बता पा रहा हूं तो बच्चे एक मिनट ठहरिएगा। देखें बच्चे यहाँ पे आप देखें, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि 100% सब्स्टिट्यूट अगर बहुत क्लोजली हो तो उसके लिए वर्ड हम राइवलरी बोल रहे होते हैं। तो सब्स्टिट्यूट, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दी कि आपको भूख लगी हुई है, भूख लगी हुई है, आपको खाना खाना, खाना खाने के लिए राइस भी आप ले सकते हैं, बर्गर भी ले सकते हैं, पिज्जा भी ले सकते हैं। ये तीनों आइटम्स, तीनों गुड्स एक दूसरे के मुतबादिल इस्तेमाल हो सकती हैं, तो इन्हें हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब यहाँ पे इतना डीपली हम देखें कि हर एक के अंदर प्रोटीन्स की मिकदार सेम होनी चाहिए, विटामिन्स की मिकदार सेम होनी चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है जी बच्चे, बात क्लियर हो गई। अच्छा बच्चे अब इस बात को समझिएगा गौर से। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लेने लगा हूं प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स की, अभी तो हमने सिर्फ पढ़ा है, अब बात को हम समझने लगे हैं बच्चे। लेट्स सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने जूस की, दूसरी एग्जांपल ले रहा हूं मैं बच्चे सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये दोनों एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है, ठीक है जी बच्चे। चले जी बच्चे, जूस एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स, जूस के केस में बच्चे प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, अगेन
प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड इन केस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स। अच्छा बच्चे, लेट्स सपोज जूस का एक पैक 20 रुपीज का, यूजर इसकी डिमांड कर रहा है 100 यूनिट्स। इसी तरह से सॉफ्ट ड्रिंक की प्राइस है 30 रुपीज, यूजर इसकी डिमांड भी 100 यूनिट्स कर रहा है। ठीक हो गया जी बच्चे। अब मैं आपको एक एग्जांपल से बात समझाने वाला हूँ। सॉफ्ट ड्रिंक की प्राइस 30 से इंक्रीज करके 50 रुपीज हो गई। सॉफ्ट ड्रिंक की प्राइस इंक्रीज कर गई 30 से 50। अब मुझे बताएं इसकी डिमांड बढ़ेगी या कम होगी, जल्दी से बताइएगा क्विकली। शाबाश, कम हो गई। लेट्स सपोज मैं कह देता हूं 50 यूनिट्स हो गई। अच्छा, इसकी प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। अब मुझे बताइएगा क्या कंज्यूमर इसके सब्स्टिट्यूट को स्विच नहीं करेगा? अगर वो सॉफ्ट ड्रिंक नहीं यूज कर पा रहा तो वो क्या यूज करेगा? जूसेस। शाबाश, तो डिमांड क्या हो गई बच्चे? 150 इंक्रीज कर गई। अब मेरा सवाल, हमारे लिए सब्जेक्ट जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, जिस गुड को, वो सब्जेक्टिव गुड हमारे लिए जूस है। ठीक है जी बच्चे। अब मुझे बताइएगा, लॉ ऑफ डिमांड ने तो कहा था कि डिमांड तब इंक्रीज करेगी जब प्राइस कम होगी। बताएं जूस की प्राइस कम हुई नहीं, लेकिन जूस की डिमांड तो बढ़ गई। किस लिए डिमांड बढ़ी? क्योंकि इसके सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस में चेंज आ गया। क्लियर हो गया बच्चे? तो इस पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो पा रहा। लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि इसके सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस में चेंज आ गया। तो हमने क्या अजम्पशन ली? हमने कहा प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन सेम, तभी ये लॉ अप्लाई होगा, अदरवाइज ये लॉ अप्लाई नहीं हो पाएगा। जी बच्चे, बात समझा पाया हूं मैं आपको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं इसको, ताकि हम इसको कंक्लूड कर दें। जी बच्चे, मैं रिपीट कर रहा हूं, जूस की बच्चे प्राइस में कोई चेंज नहीं आया था। जूस की डिमांड बढ़ गई 150। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ कि उसका एक सब्स्टिट्यूट है सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, उसकी प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर गई, फ्रॉम रुपीज 30 टू रुपीज 50। अब जब उनकी प्राइसेस बढ़ी तो उनकी डिमांड कम हो गई। अब इस डिमांड के कम होने की वजह से लोगों ने उसको सब्स्टिट्यूट किया सॉफ्ट ड्रिंक को जूस के साथ। जूस की डिमांड इस वजह से बढ़ी। तो अब जूस के ऊपर तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हुआ। वो क्यों नहीं अप्लाई हुआ? इस वजह से क्योंकि उसके सब्स्टिट्यूट की प्राइस में चेंज आ गया। तो हमारी अजम्पशन क्या है? हमारी अजम्पशन ये है कि प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन सेम, देन लॉ ऑफ डिमांड विल बी एप्लीकेबल। क्लियर हो गया जी बच्चे? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इसी तरह से सेम एग्जाम्पल हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी बच्चे, यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब बच्चे जी, आप सही कह रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक की हम एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने सॉफ्ट ड्रिंक को सब्स्टिट्यूट कंसीडर किया हुआ है। ये हमारी सब्स्टिट्यूट गुड नहीं है, सॉरी सब्जेक्टिव गुड नहीं है ये हमारी। ठीक है ना? तो हम जूस को स्टडी कर रहे थे और जूस का सब्स्टिट्यूट हमने सॉफ्ट ड्रिंक बना लिया। तो आपने ये देखना है क्या जूस पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हुआ या नहीं हुआ। तो हमने देखा जूस पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो पा रहा। ठीक है जी बच्चे। जी नेक्स्ट डिस्कस करें बच्चे क्लब कॉन्सेप्ट। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी बच्चे, अब हम थर्ड वन अजम्पशन बच्चे पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने दो अजम्पशंस पढ़ी। सबसे पहली अजम्पशन पढ़ी, देयर इज नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। सेकेंडली बच्चे हमने एग्जाम्पल डिस्कस की, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स रिमेन सेम। बच्चे अब हम थर्ड वन एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं। जी कुछ भी कह सकते हैं, टेस्ट एंड फैशन। जी बच्चे नहीं होगा, ये नहीं होगा, इस पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है जी बच्चे। जी अगला बच्चे टेस्ट, फैशन, इसको टेस्ट एंड फैशन कर। अच्छा मुझे बताइएगा क्या टेस्ट एंड फैशन के केस में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है? टेस्ट कॉन्शियस लोग, ठीक है प्राइसेस बढ़ भी रही हूं बट टेस्ट कॉन्शियस लोग उसी प्रोडक्ट को बाय करते हैं। ठीक हो गया जी बच्चे।
इसके लिए हम वर्ड यूजली बोल रहे होते हैं ब्रांड लॉयलिटी। कुछ लॉयल कस्टमर होते हैं ना, तो यह ब्रांड लॉयलिटी। कुछ लोग होते हैं जो ब्रांड लॉयल होते हैं, जैसे आईफोन यूजर ब्रांड लॉयल है। इसी तरह से हो सकता है जो एंड्रॉयड यूजर हो वो भी ब्रांड लॉयल हो। इसी तरह से और बहुत सारी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हो गई हैं, निशात, सफायर, इसी तरह से बहुत सारी और प्रोडक्ट्स हैं, ये ब्रांड लॉयलिटी की एग्जांपल बन सकती है। बहुत ज्यादा डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 में कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, फर्म में स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे ये अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। ठीक है जी बच्चे, तो ये टेस्ट एंड फैशन का कॉन्सेप्ट, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा एक और मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल डिस्कस करता हूँ बच्चे। एक प्रोडक्ट है फैशन, हम फैशन का वर्ड यूज करते हैं प्रोडक्ट्स के लिए। मैं एग्जाम्पल में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। लेट्स सपोज मार्केट में फैशन इन हो गया, अब प्राइसेस भी हाई हैं, तो आप मुझे बताइए कि डिमांड भी हाई होगी या लेस होगी। शाबाश, प्राइसेस हाई है, डिमांड भी हाई है, फैशन इन है। और अगर कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ फैशन हो जाए, आउट ऑफ फैशन हो गई है, अब उसकी प्राइसेस बहुत लो है मार्केट में बट उसकी डिमांड भी लेस है। शाबाश, ठीक हो गया जी बच्चे। तो टेस्ट एंड फैशन। नेक्स्ट बच्चे फोर्थ वन कॉन्सेप्ट जी बच्चे, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, रस्म और रवाज। ठीक हो गया जी बच्चे। कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस के केस में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। अच्छा बच्चे, टेस्ट कॉन्शियस लोग हैं, प्राइसेस बढ़ भी जाएं तो डिमांड में कोई चेंज नहीं आता। और फैशन अगर इन होता है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आप लोगों के लिए, मैं ये डॉक्यूमेंट पूरा आपके साथ शेयर करूंगा, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, साथ साथ लिख पा रहे हैं, वेल एंड गुड। फैशन इन हो, अच्छा अब फैशन इन हो गया, अगर प्राइस हाई है तो डिमांड भी हाई है। लॉ ऑफ डिमांड ने तो कहा था प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम होगी, बट इस सिचुएशन में तो डिमांड कम नहीं हो रही। ठीक हो गया जी बच्चे। इसी तरह से बच्चे, अगर आउट ऑफ फैशन है प्राइस कम है और कोई खरीदना ही नहीं चाहता, कोई उसे बाय नहीं करना चाह रहा, ठीक है ना, तो बच्चे इस सिचुएशन में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता जी बच्चे। अच्छा बच्चे, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, इसमें होता है सेलिब्रेशंस जी, बिल्कुल ठीक होगा जी। मैं लिख देता हूं ये एग्जांपल जो आपने मुझे बताई है, एक्सपेंसेस एट वेडिंग्स। ठीक हो गया ना। तो बच्चे क्या होता क्या है, हम खुशी और गमी में जिस मौके पे सबसे ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत की अताअत की जरूरत है हमें, उन्हीं उन्हीं टाइम पे हम सबसे ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं एक दिन की सेलिब्रेशन है, करने दो एंजॉय, जिंदगी है, बार बार थोड़ी मिलती है, एक दफा ही मिलनी है। तो फिर अल्लाह की नाफरमानी के लिए तो नहीं मिली हुई, ये तो अल्लाह की फरमाबरदारी के लिए मिली हुई है और ये तो वैसे ही हमारे लिए इम्तिहान है। तो बच्चे इसको इम्तिहान एग्जामिनेशन हॉल में हम अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं गुजार रहे होते, हमें तो यहाँ पे अपने रब की मर्जी से जिंदगी गुजारनी है। तो कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस के वक्त, रस्म और रवाज के वक्त हम लोग खूब बिला दरेग और ना सोचे समझे खर्च कर रहे होते हैं और उसमें चीजों की कीमतें भी ज्यादा होती हैं और डिमांड भी हाई होती है। ठीक है जी बच्चे, इस सिचुएशन में भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता बच्चे जी। बच्चे नेक्स्ट सिक्स फिफ्थ वन, पॉपुलेशन साइज, याद है जी आपको, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें तो वैसे ही आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जी। पॉपुलेशन साइज के बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, ठीक है जी बच्चे, और पॉपुलेशन साइज के कम होने से डिमांड कम हो जाती है। ठीक है जी बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे, यहां तक क्लियर है आप लोगों को, ठीक हो गया जी बच्चे। नेक्स्ट जी, मैं लिखने वाला हूं बच्चे जी, बिल्कुल लिखने वाला हूं। सिक्स वन, लॉ एंड ऑर्डर।
ठीक है जी बच्चे, लॉ एंड ऑर्डर। जी बच्चे ने मुझे एग्जाम्पल दिए जी, मोहम्मद यासिन साहब ने, उन्होंने कहा जी हेलमेट की एग्जाम्पल लिखे जी, मैं लिख लेता हूँ जी बच्चे, हेलमेट की एग्जाम्पल। वो कहते हैं जी लिखे हेलमेट की एग्जाम्पल, बिल्कुल ठीक हो गया जी बच्चे। फेस मास्क की एग्जाम्पल लिखे जी, मैं लिखने लगा हूँ बच्चे। देखे बच्चे कानून बन गया कि आपने फेस मास्क यूज करना है, तो आप मुझे बताइएगा उसकी कॉस्ट जितनी मर्जी हो, डिमांड उसकी बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। इसी तरह से हेलमेट की, इसी तरह से हैंड सैनिटाइजर की, ये सभी एग्जाम्पल बच्चे जी बिल्कुल ठीक हो गया, लॉ एंड ऑर्डर। जी बच्चे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चे? जी बच्चे नेक्स्ट, डायरेक्ट टैक्सेस। जी बच्चे मुझे बताइएगा, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ जी, शाबाश। नहीं इसमें एग्जाम्पल ना, मैं आपके साथ डिटेल डिस्कस करूंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना बच्चे? मैं डिटेल इंशाल्लाह आपको डिटेल बताऊंगा डायरेक्ट टैक्स में एंड इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस होता है। फॉर द टाइम बीइंग वी जस्ट हैव टू स्टडी डायरेक्ट टैक्सेस। इन केस ऑफ टैक्सेस लॉ ऑफ डिमांड वुड नॉट अप्लाई, इन केस ऑफ टैक्सेस लॉ ऑफ डिमांड वुड नॉट अप्लाई। क्लियर हो गया जी बच्चे? टैक्सेस के केस में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। उसकी मैं एक एग्जांपल डिस्कस कर देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। बच्चे पॉपुलेशन साइज बढ़ने से, आबादी बढ़ने से तो डिमांड बढ़ जाती है ना, जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ बच्चे, आबादी बढ़ेगी, अब मुझे बताइएगा फूड की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी या कम होगी? मुझे जल्दी से बताइएगा, मैं डायरेक्ट टैक्स की एग्जाम्पल लिख के समझाता हूँ, बिल्कुल नहीं परेशान होना। जिस बच्चे ने अभी बात कही थी पॉपुलेशन की, मैं उनको समझाना चाह रहा हूँ जी बच्चे, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा बच्चे अगर आबादी बढ़ेगी तो फूड की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तो फूड की डिमांड बढ़ गई ना, तो आबादी के बढ़ने से लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो पा रहा, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड ने कहा था डिमांड तो तब बढ़ेगी जब प्राइस कम होगी। यहाँ पे तो आबादी के बढ़ने की वजह से डिमांड बढ़ रही है, प्राइस तो कम हुई नहीं। क्लियर हो गया? तो इस सिचुएशन में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। ठीक होगा जी बच्चे। अब डायरेक्ट टैक्स की एक एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। लेट्स सपोज एक साहब है, ये जिनका नाम है सीए, ठीक है जी। अच्छा बच्चे इनकी इनकम पर मंथ है ₹100,000। अच्छा इनसे एफबीआर टैक्स ले रही है, ये इनकी इनकम है, इन पे टैक्स लिया जा रहा है इस इनकम पे 2,500 का। अब मुझे बताइएगा इनके पास पैसे खर्च करने के लिए कितने रह गए? 97,500। अच्छा अब एक प्रोडक्ट की प्राइस है, लेट्स सपोज हम कह देते हैं एक प्रोडक्ट की प्राइस है ₹100। अब मुझे बताएं वो इसके कितने यूनिट्स डिमांड कर सकते हैं, जल्दी से कैलकुलेट करके बताएं ना। 97,500 को डिवाइड करें ना, डिवाइड करते हैं 100 से, सिंपल है, मुश्किल नहीं है। नाइन 97, शाबाश। अब देखिएगा इसी एग्जांपल को मैं कंटिन्यू करने वाला हूं। इन साहब की इनकम 100,000 ही है, बट गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए और 5,000 के कर डाले। अब इनके पास खर्च करने के लिए 95,000 रुपीज बचे हैं। प्रोडक्ट की प्राइस में भी कोई चेंज नहीं आया, 100 रुपीज है। अब मुझे बताइएगा, शाबाश 950। तो अब मुझे आप बताएं प्राइस में चेंज आया नहीं, डिमांड तो कम हो गई है, इसका मतलब लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो रहा। क्यों? इस दफा चेंज किस में आ गया है? टैक्स में चेंज आ गया है। बात समझ में आ गई ना? इस दफा चेंज किस में आ गया जनाब? टैक्स में चेंज आ गया है। और जब टैक्स में चेंज आ जाए तो टैक्स में चेंज आने की वजह से लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। ये आपके सामने है सिचुएशन सारी के साथ। अब मुझे बताएं कोई भी किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन, बात समझा पाए हूं? इफ देयर इज अ चेंज इन टैक्स देन लॉ ऑफ डिमांड विल नॉट अप्लाई, टैक्स के चेंज होने की वजह से लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। क्रिस्टल क्लियर है सब लोगों को? शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि फेस
फिजिकल क्लासेस है, मैं आप लोगों के जेस्टर्स एंड पोस्चर्स तो ऑब्जर्व नहीं कर सकता हूँ जब तक कि आप मुझे थ्रू मैसेज कन्वे नहीं कर देंगे कि बात क्लियर है, मैं आगे कैसे इजीली कंटिन्यू कर पाऊंगा, ठीक है ना। तो इसी वजह से मैं वेट कर रहा होता हूँ सम टाइम कि आप में से किसी बच्चे को ऐसे जो जिसको बात समझ नहीं आई, मैं या समझा नहीं पा रहा हूँ, तो मैं उसके लिए थोड़ी सी एफर्ट और करूँ ताकि उसको भी बात समझ में आए और वो हमारे साथ कंटिन्यू कर पाए। अच्छा बच्चे, लास्ट वन, एक है एडवर्टीजमेंट, ग्रेट फन ही है ना। सो जी 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 बिल्कुल ठीक हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, अच्छा बच्चे मुझे आप एक बात बताइएगा, एक वर्ड आपने पढ़ा होगा अरोमा, अरोमा क्या होता है? जी फूड की, फूड की, बिल्कुल ठीक हो गया जी, बिल्कुल सही हो गया। अब आपको किस स्मेल आएगी, फ्रेग्रेंस आएगी, तो क्या उससे आपकी फूड की डिजायर बढ़ेगी या कम होगी? एडवर्टीजमेंट का यही काम होता है, एडवर्टीजमेंट का यही काम होता है। आप एडवर्टाइज करके क्या किया जाता है, अपनी सेल को, अपनी प्रोडक्ट की ज्यादा से ज्यादा सेल को इंक्रीज किया जाता है। तो बच्चे अब मैं अगर आपसे सवाल पूछूं, इंक्रीज हो जाए एडवर्टीजमेंट या डिक्रीज हो जाए एडवर्टीजमेंट, इसका मतलब है एडवर्टीजमेंट के बढ़ने या कम होने की वजह से क्या हो जाएगी, डिमांड चेंज हो जाएगी, डिमांड चेंज हो जाएगी ना, या बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, क्या प्राइस में चेंज आया इस सिचुएशन में? नहीं। तो क्या लॉ ऑफ डिमांड इस सिचुएशन में अप्लाई होगा? लॉ ऑफ डिमांड ने तो कहा था प्राइस चेंज होगी तो क्वांटिटी डिमांड चेंज होगी। शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया। तो बच्चे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहां तक, आपने सभी बातें पढ़ ली जी। अपने हैंड आउट से आप देखिएगा, ढूंढिएगा सबसे पहले पेज पे जहां पे हमने लॉ ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, वहीं पे अजम्पशंस या एसेंशियल्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड मौजूद है। इसको जरा एक दफा रीड करें और मुझे बताएं कोई बात ऐसी जो मैं नहीं समझा पाया हूं, जल्दी से एक दफा क्विकली गो थ्रू करें क्विकली। सर क्लाइमेट और वेदर का बता दें जी, मैं बता देता हूँ, ये लें, ये भी पॉइंट लिखते हैं, ये हमने पॉइंट नहीं लिखा हुआ ना, चले जी ये लिखे। अच्छा बच्चे मुझे एक बात बताएं, अब कौन सा सीजन है? विंटर। अच्छा विंटर सीजन में फिश की डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी सर। फिश की डिमांड बढ़ गई, क्या प्राइस के चेंज होने की वजह से बढ़ी है या वेदर चेंज होने की वजह से बढ़ी है? सर वेदर। वेदर, तो लॉ ऑफ डिमांड ने तो कहा था कि जब इसकी प्राइस कम होगी तब डिमांड बढ़ेगी, यहाँ पे तो वेदर चेंज होने की वजह से डिमांड बढ़ रही है, तो क्या लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो रहा है? नहीं सर। इसी तरह से हम विंटर क्लॉथ्स की एग्जांपल लेते हैं, क्या उसकी डिमांड बढ़ी है कम हुई है? जी शाबाश, इसकी भी डिमांड बढ़ गई और इनकी प्राइस भी बढ़ी हुई होगी, लेकिन किस वजह से इनकी डिमांड बढ़ी है? क्योंकि मोस्ट जी बिल्कुल ठीक हो गया जी। उन्होंने कहा जी सूप की एग्जांपल लिखे आप जी, कॉफी की भी एग्जांपल लिखे, ये ले जो जो एग्जांपल्स आप लिखवाते जाएंगे मैं लिखता जाऊं। बात समझ आ गई है जी, अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है जी? चले जी, सब बातें क्लियर हो गई, कंटिन्यू करें नेक्स्ट जी। बिल्कुल सही मौसम साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एडवर्टीजमेंट की बच्चे एग्जांपल्स, अ नंबर ऑफ एग्जांपल्स है मार्केट के अंदर, जब भी एडवर्टीजमेंट की जाती है वो किस लिए की जाती है? अपनी प्रोडक्ट की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। इसी तरह से जैसे ओप्पो ने कितनी हाई एडवर्टीजमेंट की और कितना टफ टाइम दिया सैमसंग को, एक एडवर्टीजमेंट की एग्जांपल है, और उससे उसके प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई, ठीक है ना बच्चे? तो एडवर्टीजमेंट की वजह से डिमांड इंक्रीज कर जाती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने,
बिल्कुल ठीक है जी बच्चे, यहां तक बच्चे बात क्लियर हो गई। चलें जी बच्चे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये हमने अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड पढ़ ली। अच्छा बच्चे बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। सर अदर फैक्टर्स बच्चे, इसके अलावा जितने भी बाकी फैक्टर्स हैं हम उन्हें कह देते हैं कि वो अदर फैक्टर्स। उनकी अब इतनी ज्यादा लिस्ट है कि वो एग्जॉस्टिव ना खत्म होने वाली लिस्ट है, और हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम हर प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे लिख सके, हम हर डिटर्मिनेंट या हर अजम्पशन यहाँ पे लिख पाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कह देते हैं फिर अदर फैक्टर्स, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। All factors which help to determine the demand, वो तमाम factors जिनकी मदद से हम demand को determine करते हैं डिटर्मिनेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डिटर्मिनेंट्स। अच्छा बच्चे दो तरह के होते हैं डिटर्मिनेंट्स, फर्स्ट वन बच्चे प्राइस, और प्राइस के अलावा जितने भी बाकी फैक्टर्स हैं उन्हें हम कहते हैं अदर देन प्राइस फैक्टर, और प्राइस या इनके लिए वर्ड बोला जाता है नॉन प्राइस फैक्टर्स। इन्हें हम शिफ्टर्स भी कहते हैं, क्लियर हो गया जी बच्चे। तो बच्चे वो तमाम फैक्टर्स जिनकी मदद से हम डिमांड को डिटरमिन करते हैं वो फैक्टर्स कहलाते हैं डिटरमिनेंट्स। दो तरह के हैं, फर्स्ट वन प्राइस और सेकंड वन अदर देन प्राइस, ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा बच्चे देखिएगा, याद कीजिएगा, हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, क्वांटिटी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। अगर मैं कंप्लीट इक्वेशन लिखूं तो ये इक्वेशन होती है क्वांटिटी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस टेस्ट फैशन कस्टम्स वेदर एंड क्लाइमेटिक चेंज सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री एटसेट्रा। ये पूरी इक्वेशन बन जाती है। अच्छा अब इस इक्वेशन में फर्स्ट वन ये फैक्टर है, इस फैक्टर को हम कहते हैं प्राइस फैक्टर। ये फैक्टर क्या है? प्राइस फैक्टर। प्राइस के अलावा बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं इन सब के लिए हम वर्ड बोलते हैं नॉन प्राइस फैक्टर। ठीक हो गया जी बच्चे, प्राइस फैक्टर, या सेकेंडली हम दूसरे के लिए क्या वर्ड बोलते हैं नॉन प्राइस फैक्टर्स। तो क्वांटिटी डिमांड का ये फंक्शन। आज हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा अजम्पशन और डिटर्मिनेंट, ये एक ही कॉन्सेप्ट है, बट क्या हमने कहा कि इन सिचुएशन हमारी अजम्पशन क्या है ये फैक्टर्स चेंज ना हो। अगर ये फैक्टर्स चेंज हो गए तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि अगर इन फैक्टर्स में चेंज आ गया
तो फिर डिमांड कर्व में कैसे चेंज आ जाएगा, हमें वो समझना। और हमने इसका कॉन्सेप्ट क्लास में समझा हुआ है कि अगर ये फैक्टर्स चेंज होगी तो डिमांड कर्व पूरे का पूरा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर जाता है। तो अब मैं इनके नाम लिखने लगा हूं ताकि आपको वो रिलेट कर सकूं। जी बिल्कुल ठीक, एक्सीलेंट। आपको याद होगा हमने सब्सिट्यूट कहा था कि वाले अगर इसमें चेंज आ जाए, क्या आ जाए, इसमें चेंज आ जाए तो क्या होता है इफेक्ट, मैं आपको पूरा कंप्लीट बताने लगा हूं ताकि एक आपके पास नोट्स बन जाए, आपको याद रही ये बात। इस सिचुएशन में क्या होता है, इसके हमने तीन नाम पढ़े थे, इसको हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्या वर्ड बोलते हैं इसके लिए, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये बात कहते हैं इसके लिए। अच्छा बच्चे, या बच्चे हम इसे कहते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। या बच्चे थर्ड वन एंड द लास्ट वन हम इसके लिए क्या वर्ड बोलते हैं, एक्सटेंशन या कॉन्ट्रेक्शन इन डिमांड, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रेक्शन इन डिमांड। ठीक हो गया जी बच्चे, ये हमने बच्चे इसके नेम पढ़े पढ़ रखे हुए, ये है जी आपके साथ, ठीक हो गया। अच्छा ऑन द अदर हैंड अगर शिफ्टिंग हो जाए तो इस सिचुएशन में क्या कहा जाता है, इसके क्या नेम है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसे कहते हैं, बिल्कुल इसके पैरेलल लिखूंगा, इसे कहते हैं चेंज इन डिमांड, पूरे का पूरा डिमांड कब चेंज कर जाता है। या बच्चे हम इसे कहते थे, जी बच्चे शिफ्टिंग इन डिमांड कब, इसके लिए क्या वर्ड बोलते हैं, शिफ्टिंग इन डिमांड। या बच्चे इसके लिए हम वर्ड बोलते थे राइज और फॉल इन डिमांड, क्या वर्ड बोलते हैं, राइज और फॉल इन डिमांड, डिमांड में राइज आ गया या फॉल आ गया। क्लियर हो गया जी बच्चे, इसके लिए बच्चे एक और नाम भी बोला जाता है, वो भी लिख ले, चेंज इन कंडीशन ऑफ डिमांड, क्या वर्ड बोलते हैं इसके लिए, क्योंकि हमने कंडीशंस पढ़ी है ना, अदर थिंग्स रिमेन सेम, तो ये चेंज इन कंडीशन ऑफ डिमांड। तो बच्चे क्लियर हो गया जी बच्चे, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको। तो बच्चे ये आपके सामने, ये आपके नोट्स बन गए कि आपको पता होना चाहिए वो तमाम फैक्टर्स जिनकी मदद से हम डिमांड को डिटरमिन करते हैं, मुतय्यन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, कंप्यूट करते हैं, डिटर्मिनेंट्स कहलाते हैं। उन्हें हम मेनली बायफरकेट करते हैं दो कैटेगरीज में, फर्स्ट वन प्राइस फैक्टर, सेकेंड वन नॉन प्राइस फैक्टर, जिसे हम अदर देन प्राइस फैक्टर्स भी कहते हैं, नॉन प्राइस फैक्टर्स भी कहते हैं, शिफ्टर्स ऑफ डिमांड भी कहते हैं। जब भी प्राइस में चेंज आए तो वो कहलाता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जिसे हम मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व या मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व भी कहते हैं, या इसे हम एक्सटेंशन और कॉन्ट्रेक्शन इन डिमांड भी कहते हैं। ऑन द अदर हैंड जब भी चेंज आएगा अदर देन प्राइस फैक्टर तो डिमांड कर्व एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर जाएगा। अब मैं इसका कर्व भी बना देता हूं, कल हम वन बाय वन एक एक डिटरमिनेंट को पिक करके उनके कर्व्स की प्रैक्टिस करते रहेंगे। आज मैं सिर्फ सिंपली एक कर्व आपके लिए बनाने वाला हूं, ठीक है जी बच्चे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस। बच्चे वाई एक्सिस के अलोंग हम किसको मेजर करते हैं, प्राइस को, और एक्स एक्सिस के अलोंग क्वांटिटी। ठीक हो गया जी बच्चे। जी बच्चे There is an inverse relationship between price and quantity demand. Price में और quantity demand में कौन सा relationship है? Inverse relationship.
पॉइंट ए बी सी डी एंड ई, ठीक है जी बच्चे। ट्वेंटी फोर्टी सिक्सटी एटी एंड लास्ट वन हंड्रेड, टू फोर सिक्स एट एंड लास्ट वन टेन, पॉइंट ए पे थे। अगर प्राइस दस रुपए से कम होके आठ रुपए हो गई अलोंग द डिमांड कर्व, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे मूव करके क्वांटिटी बच्चे 20 टू 40 हो गई, क्वांटिटी इंक्रीज करके, ठीक है जी बच्चे। तो देखिए प्राइस कम क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई, अगेन प्राइस कम हुई क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई, जैसे जैसे कीमत कम होती जा रही है क्वांटिटी डिमांड बढ़ती जा रही है, इसे हम कहते हैं डिमांड कर्व। तो वही रहा, लेकिन हम डिमांड कर्व के एक पॉइंट पे उसके साथ साथ दूसरे पॉइंट पे मूव करके, इसी तरह से उसी डिमांड कर्व के पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे उसके साथ साथ मूव करके, इसे कहते हैं मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। इसमें डिमांड कर्व में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है, इसे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कहते हैं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट बच्चे चेंज इन डिमांड का, ये भी अच्छे से समझिएगा बच्चे। x-axis origin point, y-axis बच्चे y-axis के along हम measure करते हैं price को, और x-axis के along बच्चे हम measure करते हैं quantity, ठीक है जी बच्चे। there is an inverse relationship between price and quantity demand, ये बच्चे price है 10 रुपए, क्वांटिटी के यूनिट्स हैं बच्चे 100, ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा बच्चे ये पॉइंट है ए, इफ देयर इज, अगर बच्चे प्राइस में उसमें चेंज आ जाए, प्राइस में चेंज ना आए इनकम चेंज हो जाए, इनकम बढ़ जाए, तो बताइएगा मुझे डिमांड कर्व में क्या चेंज आएगा, डिमांड कर्व बढ़ेगी या कम होगी? शाबाश, डिमांड कर्व राइज कर जाएगी, डी से डी वन पे शिफ्ट कर जाएगी। तो बच्चे अब इस सिचुएशन में क्या हुआ, प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन बच्चे क्या हुई, क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई, 100 से 150 हो गई, और पॉइंट ए, और ये बच्चे शिफ्टिंग कहलाती है, इसे हम कहते हैं राइज कर जाना। क्या वर्ड बोलते हैं इसके लिए, राइज कर जाना, या इसके लिए हम कहते हैं आउटवर्ड शिफ्टिंग। क्या वर्ड बोलते हैं इसके लिए, आपको याद है ना ये बातें, आउटवर्ड शिफ्टिंग अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से अगर दूर हट जाए तो ये कहलाती है आउटवर्ड शिफ्टिंग, या इसके लिए बच्चे हम वर्ड एक और भी यूज करते हैं, इसे हम कहते हैं राइटवर्ड शिफ्टिंग। ये क्या होगी, राइटवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगी। बच्चे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा बच्चे इसी तरह से मैं फॉल की भी एक डायग्राम बना के आपके साथ शेयर करने वाला हूं, सुन लीजिएगा, ये रिकॉल करवा रहा हूं, कल हम इंशाल्लाह बाकी डिटरमिनेंट्स वन बाय वन हर एक की प्रैक्टिस करेंगे। एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस बच्चे वाई एक्सिस के अलोंग हम प्राइस को मेजर करते हैं। वाले दोबारा एक बार रिपीट कर दें जी, मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं ये डायग्राम बना लूं फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, इसको समझिएगा जरा डायग्राम को बच्चे। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, दैट इज शोज बाय डी डी, ठीक हो गया जी बच्चे। लेट सपोज प्राइस 10 रुपीज है, क्वांटिटी डिमांड है 100 यूनिट्स, प्राइस 10 क्वांटिटी डिमांड 100 यूनिट्स, ठीक है जी बच्चे। पॉइंट ए पे अगर बच्चे इन केस इफ देयर इज अ फॉल इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर की इनकम फॉल कर जाए, कंज्यूमर की इनकम के फॉल करने की वजह से डिमांड कर्व क्या करेगा बच्चे, डिमांड कर्व शिफ्ट कर जाएगा डी से डी वन, डी वन पे, ठीक है जी बच्चे, डिमांड कर्व शिफ्ट कर जाएगा। तो बच्चे ये डिमांड कर्व शिफ्ट कर गया डी से डी वन पे, ये फॉल कहलाएगा, बिल्कुल ठीक है जी बच्चे, डी वन पे ये इस डायरेक्शन में मूव किया, ये बच्चे कहलाएगा फॉल इन डिमांड। इसे बच्चे हम इनवर्ड शिफ्टिंग भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इनवर्ड शिफ्टिंग, या इसके लिए वर्ड बोला जाता है लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग, इनवर्ड शिफ्टिंग या वर्ड बोला जाता है लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग, याद रखिएगा ये बच्चे। अच्छा बच्चे इस सिचुएशन में हुआ क्या, बच्चे प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आया,
क्वांटिटी बचे 100 से कम हो के 60 हो गई एट पॉइंट बी, क्योंकि कंज्यूमर की इनकम फॉल कर गई, तो इसे फॉल भी कहते हैं। इसके लिए हम वर्ड बचे इनवर्ड शिफ्टिंग भी बोलते हैं। तो डिमांड कब डी डी से डी वन डी वन पे शिफ्ट कर गया। तो हमने क्या कंक्लूड किया, हमने कहा जब भी प्राइस में चेंज आता है डिमांड कर्व ओरिजिनल वही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, लेकिन अगर प्राइस के अलावा किसी भी फैक्टर में चेंज आ गया तो ओरिजिनल डिमांड कर्व ही चेंज हो जाएगा, या ओरिजिनल डिमांड कर्व राइज करेगा या ओरिजिनल डिमांड कर्व फॉल कर जाएगा। राइज के लिए हम वर्ड आउटवर्ड शिफ्टिंग भी यूज करते हैं, राइज के लिए हम राइटवर्ड शिफ्टिंग का वर्ड भी यूज करते हैं, फॉल के लिए बच्चे इनवर्ड शिफ्टिंग भी कहते हैं, या इसके लिए हम लेफ्ट वर्ड शिफ्टिंग भी कहते हैं इसे। ठीक है जी बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये बेसिकली चेंज इन डिमांड की सिचुएशन। यहां तक बच्चे क्लियर हो गया आपको? ओरिजिन जी मुझे दोबारा बताइएगा क्या कहा आपने बच्चे। ठीक हो गया जी बच्चे, टुवर्ड्स ओरिजिन भी कहते हैं सर। जी बिल्कुल सही हो गया, ये इनवर्ड शिफ्टिंग का मतलब यही होता है, इसे कहते हैं टुवर्ड्स ओरिजिन शिफ्ट कर जाना। इनवर्ड का मतलब है अगर कब ओरिजिन की तरफ मूव कर रहा हो, उसके क्लोजर होना शुरू हो जाए तो ये इनवर्ड शिफ्टिंग, और जब ये दूर इससे हटना शुरू हो जाए तो उसे हम आउटवर्ड शिफ्टिंग भी कहते हैं। जी बच्चे यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चे? चले बच्चे अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। Thank you.